हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ पार्ले जी बिस्किट का केक। वो भी बहुत ही आसान। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। इसमें आपको ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी कुकिंग चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे करीबन 2 रुपये वाले पैकेट 15 पैकेट लिए हैं पार्ले जी बिस्किट के, और मैं इनको तोड़ लूँगी क्योंकि मुझे इनको ग्राइंड करना है, इनका मुझे पाउडर बनाना है। तो दोस्तों, मैं अपने यहाँ पर सारे बिस्किट तोड़ लेती हूँ। मैंने सारे बिस्किट तोड़ लिए हैं बीच में से और मैं इनको ग्राइंड कर दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे बिस्किट्स जो हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इनका पाउडर बनाऊंगी। एक साथ नहीं आने वाले हैं मशीन में, तो 2 बार में मैं इनको पीस लूँगी और इनका पाउडर बना लूँगी। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। अब फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ पर ली है चीनी। चीनी मतलब इसको मैंने पीस लिया है। आप 4 से 5 चम्मच डाल सकते हैं, जितना मीठा या कम खाना चाहते हैं। मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया चीनी को। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालने वाली हूँ। ध्यान रखिए, आपको बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, बिल्कुल स्मूथ रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा आपका पतला हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालती जाऊँगी और इसको अच्छे से चलाऊँगी, मिक्स करती जाऊँगी। एक बार में आपको सारा दूध नहीं डालना है, वरना पतला हो जाएगा। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है, अभी डाला है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप इनो डाल रहे हैं तो जब हम इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे ना, 10 मिनट के बाद जब आपको इनो मिलाना है इसमें, आपके पास इनो है इनो डालिए, बेकिंग सोडा है बेकिंग सोडा डालिए, पाउडर है पाउडर डालिए। मैंने पाउडर डाला है और मैं इसके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तब तक के लिए हम अपनी कढ़ाई पर चलते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी और एक मैंने अपने टिफ़िन का ढक्कन रख दिया और इसको प्लेट से ढक दिया है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्टेप नंबर 3 में कि मैं यहाँ पे एक ऐसा बर्तन ले रही हूँ जिसमें मुझे अपना बैटर जो है क्या करना है, सेट करना है। मैंने इसमें घी लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है, बटर पेपर लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा घी लगाया है मेरे पास, क्योंकि बटर पेपर बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, फिर इसको थोड़ा थपथपाएंगे और इसके बाद अगर आपके पास जो कुछ भी है, जैसे अगर आपके पास जेम्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, या कुछ गार्निश करने के लिए आपके पास है ना टूटी फूटी या चेरी, वो आप लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं। अब इसके बाद 10 मिनट के बाद हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है। मैं अपने स्टैंड के ऊपर इसको रख दूँगी। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड का यूज़ कीजिए, मेरे पास नहीं है तो मैंने ढक्कन यूज़ किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, 40 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है वो बनकर तैयार है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा केक बना है या नहीं। तो मैं कोई स्टिक लूँगी, मेरे पास स्टिक नहीं है लेकिन चाकू है। तो अभी हमारा बनकर तैयार नहीं है, मैंने इसको दोबारा 5 मिनट के लिए और ढक दिया है। तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा केक बनकर तैयार है कि नहीं। फिर दोबारा से आपको चेक करना है। अगर आपका चाकू जो है बिल्कुल साफ़ निकल आता है, जैसे कि अब आप देखिए अब बिल्कुल कोई चिपचिपाहट नहीं है हमारे केक में, तो इसका मतलब हमारा केक बनकर तैयार है। लीजिए दोस्तों, पार्ले जी बिस्किट का सबसे कम खर्चे में हमारा केक बनकर तैयार है। तो कैसा लगा हमारा केक आपको? और बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। सिर्फ इसको बनाने में 1 घंटा का समय ही आपको लगता है, क्योंकि 40 से 45 मिनट तो इसको बनने में लग जाता है, बाकी तो बैटर और इसमें 5 से 10 मिनट ही आपको लगते हैं। तो देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। काटने पर देखिए दोस्तों, वाओ, कितना बढ़िया हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। कोई कह सकता है कि ये पार्ले जी बिस्किट का केक हमने बनाया है घर पर? अगर आप चाहते हैं दोस्तों, मैं एडिशनल टिप्स आपको दे रही हूँ कि पार्ले जी बिस्किट का इसमें फ्लेवर ना आए, तो आप इसमें वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए। थैंक यू।